हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल यूपी 79 राइडर्स। सो गाइस, मैं करता हूँ सारे भाई बड़ी हो, मैं भी एकदम बड़ी हूँ। वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस, मैं आज काफ़ी दिन बाद वीडियो वगैरह बनाने आया हूँ आपके लिए। गाइस, जो मैं वीडियो वगैरह बनाने आया हूँ वो आया हूँ आपके लिए। मैं गाइस इस तरीके से कुछ लोकेशन पे आया हूँ, जो कि आप आई गेस आप लोगों ने लोकेशन वगैरह गेस कर ली होगी, पता कर ली होगी मैं कौन सी लोकेशन वगैरह पे वीडियो वगैरह बनाने आया हूँ। तो गाइस, साईं मंदिर के पास ये वाली नहर वाली जो रास्ता मैंने आपको कई वीडियो में दिखा रखा है, मैं यहीं पे इसी लोकेशन पे अपनी वीडियो वगैरह बनाने आता हूँ भाई लोग। तो गाइस, ये वाली कुछ लोकेशन इस तरीके की रहने वाली है। गाइस, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन मुझे लगती है, यहाँ पे वीडियो अब तक शूट की है। गाइस, ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक वीडियो वगैरह शूट करने आया हूँ। गाइस, वो बेसिकली वीडियो आप लोग टाइटल और थंबनेल देख कर तो समझिए कि किस टॉपिक वो वीडियो वगैरह रहने वाली है। तो गाइस जी हाँ भाई लोग, वो वीडियो रहने वाली है गाइस अपनी पीपीएफ गाइस लेमिनेशन पे। ठीक है भाई लोग, जो आप लोग स्प्लेंडर भी ले सकते हैं, अदर कोई भी सेगमेंट की बाइक पे लेमिनेशन वगैरह करवाते हो गाइस, जो पीपीएफ वाली होती है गाइस, वाइट ट्रांसपेरेंट स्मोक वगैरह लेमिनेशन होती है गाइस, उसकी लाइफ कितनी कुछ होती है और आप लोग उसे कितने टाइम बाद उतरवा सकते हो गाइस, हटवा सकते हो और कितने टाइम तक उस पर रख सकते हो गाइस, और कितनी कुछ क्वालिटी में आती है और कौन सी क्वालिटी वाली आपको करवानी चाहिए, कौन सी क्वालिटी वाली नहीं करवानी चाहिए। इस वीडियो में सारा कुछ आपका डाउट्स वगैरह मैं क्लियर वगैरह करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो में स्टिल एंड तक बने रहना। तो गाइस, मैं ना टाइम वेस्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ गाइस मेरी, जैसा कि मैं आपको भाई लोग सबसे पहले बता देता हूँ गाइस, जो कि मैंने अपनी स्प्लेंडर बीएसएस की लेमिनेशन वगैरह कराई थी गाइस, आई गेस मैंने कराई थी 2022 गाइस अगस्त में कराई थी गाइस, ठीक है 17 अगस्त 2022 में कराई थी। और आप लोग आज जानते हो गाइस, अगस्त दोबारा से आने वाला है, मतलब 2 ईयर तो कंप्लीट हो ही चुकी है बेसिकली। ठीक है भाई लोग, लगभग आप लगा के चलो 2 ईयर कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है भाई लोग, तो हम लोग लेमिनेशन को गाइस 2 ईयर कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि मैंने स्मोक लेमिनेशन कराई थी गाइस, वो ऑलमोस्ट हम लोग 1300 रुपीज़ की करी थी उन भाई ने। ठीक है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने कौन कौन से पार्ट वगैरह कवर करे थे 1300 रुपीज़ में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक बार बाइक के पास चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कितने कुछ पार्ट वगैरह उन्होंने कवर किए थे 1300 रुपीज़ में। तो भाई लोग, आप देख सकते हो ये अपनी स्प्लेंडर BS6, इसकी मतलब कुछ अभी इस टाइम पर कुछ कहानी कुछ क्या हो रखी है, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी आप देख सकते हो उन्होंने मतलब क्या क्या कवर किया था। पहले मैं आपको बता देता हूँ 1300 रुपीज़ में उन्होंने क्या क्या कंप्लीट किया था। यहाँ पे मैंने माइक वगैरह प्लेस किया, तो आई होप आपको वॉइस वगैरह बढ़िया आ रही होगी, बेटर आ रही होगी। तो गाइस 1300 रुपीज़ में उन्होंने हम लोगों का ये फ्रंट वाला फेंडर किया था, जो कि हम लोगों का फ्रंट मडगार्ड आप इसे बोल सकते हो भाई लोग, ये उन्होंने किया था गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उन्होंने फ्रंट का फेंडर मडगार्ड आप देख सकते हो गाइस, मतलब इसकी अभी तक क्या कहते हैं लाइफ वाइफ अभी तक ठीक ठाक है, लेकिन इसको अब 2 ईयर हो चुके हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे क्लीन वगैरह करा दो तो गाइस बेटर रहेगा बहुत ज़्यादा। तो भाई लोग, मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने फ्रंट वाला फेंडर पता कहाँ तक किया था, यहाँ तक ये देख सकते हो आप, ये आपको आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये कुछ पन्नी आपको दिख रही होगी, यही वाली है, यहाँ से हटा दूंगा तो एस्टेस पूरा हम लोग का यहाँ तक निकल आएगा, बाकी इसके पीछे मतलब पूरा खाली है, न्यू है, मतलब उसके पीछे ऐसा कुछ होता भी नहीं है, तो वहाँ तक मैंने नहीं करवाया, लेकिन अब की बार मैं करवाऊँगा तो गैस उसके पीछे वाला भी करवाऊँगा, क्योंकि मैं अब की बार करवाऊँगा गैस कहीं बाहर से। ठीक है भाई लोग, उसका ब्लॉग मिलेगा आपको आने वाली टाइम में चैनल पर। बाकी यहाँ से देख सकते हो अभी धूल मिट्टी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ फ़र्क वगैरह पड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई लोग अपनी बाइक पर स्मोक लेमिनेशन हो रखी है। बाकी यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह थोड़े बहुत हैं, तो गैस इसकी भी स्टोरी अलग है, आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पर वीडियो। गैस इसकी मैंने क्लेम एक्सीडेंट वगैरह छोटा सा क्रैश वगैरह हो गया था, तो गैस उसकी वजह से यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह आ गए थे वाइजर पे, देन देख सकते हो स्क्रैचेस वगैरह फुल दबा दब आ गए थे। गैस अब इतनी मतलब वैसे गिरेगी ना गिट्टी वगैरह पे, तो स्क्रैचेस वगैरह पे बॉडी पे तो आना ही आना भाई लोग, हैं क्योंकि गैस स्मोक लेमिनेशन एक होता क्या है गैस, एक बेसिकली पन्नी वगैरह तो होती है, वो मतलब आपके थोड़े बहुत स्क्रैच जो डस्ट धूल से आप ऐसे कपड़ा वगैरह डायरेक्ट अप्लाई वगैरह कर दो तो उससे बचा सकती है। अगर आप लोग बाइक यहाँ पे गिरेगी रोड पे डेफिनेटली गिरेगी तो गैस आपकी बाइक पे स्क्रैच वगैरह तो आना तय है, ये तो आप मान के चलो। बाकी मैं भाई लोग आपको बता देता हूँ, जो कि हम लोगों की बाइक पे स्क्रैचेस वगैरह आए हैं वो किस वजह से आई गैस, मैं जब जा रहा था अपने घर के पास तो मोरम यहाँ पे डली थी, ठीक है देन रोड पे, तो इसी वजह से मैं गिर गया, तो वहाँ पे डस्ट वस्ट थी गिट्टी वगैरह थी, तो गैस उसकी वजह से अपनी बाइक पे स्क्रैचेस वगैरह आ गए, जो कि मैंने इसको मतलब प्रोसेस को क्लेम विलेम में करवाने के लिए अपना मतलब कागज़ वगैरह सारे जमा कर दिए थे, पेपर वगैरह सारे, तो गैस इसका भी क्लेम विलेम हो चुका है, अब मुझे इससे पार्ट्स वगैरह फिट वगैरह करानी है जल्दी से जल्दी, तो गैस मैं करवा लूँगा। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ और आगे वाले मैंने इसमें और क्या क्या करवा सकता है। बाकी अब ये देख सकते हो टैंक बैंक फुल ग्लोसी हम लोगों का हो रखा है इस टाइम पर भी। बाकी गैस थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह कर लेना, वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत वगैरह आ रही है। बाकी आप देख सकते हो गैस फुल ग्लॉसी अपना टैंक बैंक है, बाकी यहाँ से भी ये हटने वटने लगा है, देख सकते हो काफ़ी हद तक यहाँ से ये हटने वटने लगा है, पूरा हो चुका है गैस, इस वजह से ये हटना हटना तय, क्योंकि गैस इसका ऑलमोस्ट टाइम वगैरह पूरा हो चुका है, तो धीरे धीरे ये हटेगी। ठीक है भाई लोग, और बाकी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है टैंक इसने इन्होंने लोगों ने किया, आगे का वेजर इन्होंने किया, फ्रंट वाला फेंडर मडगार्ड इन्होंने किया, ठीक है भाई लोग, साइड के जो दोनों बॉक्स वगैरह होते हैं ये भी इन लोग भाई ने किए थे कम्प्लीट, ठीक है
और मैंने इसका 3D वाला लोगो वगैरह कटवा के नहीं कटवाया, इसकी पन्नी वगैरह नहीं कटवाई, तो एस्टेज मैंने ऐसे ही रहने दिया। जो कि मैंने प्रेशर वाली वॉशिंग वगैरह कराई थी, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये फट गया था, तो मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टेप मार दी होगी। गाइस कुछ इतना भद्दा भी नहीं लगता है, देखने में सही सही से लगता है। बाकी यहाँ पे इन्होंने इसका टेल पैनल भी अच्छे से किया था, जो कि आप भाई लोग देख सकते हो। बाकी भाई लोग आपने अब देख तो लियो कि इसमें क्या अच्छाइयाँ क्या कमियाँ, मैं आपको कमियाँ इसकी बता देता हूँ। गाइस देखने में तो मतलब अच्छाइयाँ ये रहने वाली भाई लोग, देखने में तो एक नंबर लुक आता है, मस्त लुक आता है। जो भी भाई लोग देखता है एक बोलता है 2 से 4 महीने ही हुए होंगे अभी तक, जो कि अपने बाइक को ऑलमोस्ट 3 ईयर कम्प्लीट होने वाली हैं, 4 मंथ बाद 3 मंथ बाद, ठीक है भाई लोग। तो गाइस इसका ये फ़ायदा क्या, दिखने में भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरी बाइक लगती है, अच्छी भी लगती है। इनफैक्ट धूल मिट्टी को तो एक बाल्टी पानी मारो अपनी आपकी बाइक वगैरह एकदम क्लीन ब्रांड न्यू शोरूम कंडीशन में दिखती है। बाकी आपके गियर वगैरह पे भी मैटर करता है भाई लोग, ये वाली बात सारी, ठीक है भाई लोग। और बाकी आप इसका क्या नुकसान रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है, गैस नुकसान इसका एक ही रहने वाला है, अगर आप लोग इसे 2 से 3 साल से ज़्यादा चला लेते हो तो गैस ये आपका पेंट वगैरह टैंक का भी निकाल सकती है। जो कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरे बाइक को भी 2 ईयर मतलब PPF को 2 ईयर कंप्लीट हुए हैं, उस हिसाब से मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो इसका मैंने जब अपना एक्सीडेंट वाला क्लेम मैंने जो प्रोसेस वगैरह करवाया था उस प्रोसेस में मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह दिए, तो क्लेम में कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने बोला था इसको पहले निकाल के दिखाओ, इसमें फ्रंट वाला ये फेंडर है इस पर स्क्रैचेस वगैरह PPF ही पे हैं कि इस पर मतलब पन्नी पे ही हैं कि मतलब इसके वाइजर पे भी हैं, तो उसको चेक कराना पड़ेगा, तो उसकी वजह से वो निकाला था। तो उस हिसाब से मैंने देखा था इस पर स्क्रैच वगैरह आ गए थे, लेकिन इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो कि आएंगे ही आएंगे अगर आप लोग प्रेस वगैरह होगा, ठीक है भाई लोग। और मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें मतलब गम वम छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है इन्होंने, और पेंट वेंट हटाया कि नहीं हटाया, तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये भाई लोग आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, मतलब इसको हो गया 2 ईयर कंप्लीट, और कोई बता सकता है मतलब ऐसे जैसे लगा के चलो। इस पर हो रखी है हम लोगों के मडगार्ड पे भाई लोग, इस पर मडगार्ड पे हम लोगों की हो रखी है भाई लोग PPF, और इस हम लोगों के वाइजर वगैरह पे अभी हम लोगों ने PPF निकाल रखी। तो आप अंतर चेक करके बताना कमेंट्स में, जो नेचुरल अंतर है वही बताना भाई लोग, ठीक है। बाकी आप ये चेक करो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा अपना फ्रंट फेंडर, ठीक है, और ये रहा, ठीक है, विदाउट मतलब जो ब्रांड न्यू कंपनी मतलब जो जैसा हम लोग का आया था उसके 2-4 मंथ बाद हम लोगों ने PPF वगैरह करा के दी 6 मंथ बाद, ठीक है। तो उस हिसाब से इस पर स्क्रैच वगैरह बिल्कुल नहीं पड़े। और बात करते हैं उसकी गमबम छोड़ी कि नहीं छोड़ी, गमबम भाई लोग इसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, गई इतना तो ठीक ठाक है, मतलब थोड़ी बहुत माइनर कहीं से कहीं तक छोड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब पूरी तरीके से गम छोड़ दी है, थोड़ी बहुत मिनिमम सी छोड़ी है, ठीक है भाई लोग, जिसे आप जज भी नहीं कर सकते इतनी आसानी से, ठीक है भाई लोग। बाकी पेंट वेंट की बात करते तो गाइस कहीं से कहीं तक कोई पेंट वेंट डैमेज नहीं हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं स्क्रैचेस की, तो गाइस वो स्क्रैचेस जो गिरने से आए थे वही थे गाइस, वैसे कोई स्क्रैचेस वगैरह आपके वाइजर पे नहीं लगेंगे, ठीक है भाई लोग। अगर आप लोगों ने ये वाली करवा रखी है तो भाई लोग आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ कहाँ गम छोड़ी है। तो भाई लोग यहाँ से देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी गम छोड़ी है। इनफैक्ट इसे मैं वाटर वगैरह से क्लीन करके आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि गम ही है या कुछ और है, ठीक है भाई लोग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर वाटर वगैरह से क्लीन करके, तो इस पर गम है या और कुछ है। तो गाइस पानी लाना, वाटर लाना, और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ वगैरह निकाल के लाओ, उसको चेक करते हैं फटाफट हैंड टू हैंड, और लाइव आपको दिखाते हूँ डेमो वगैरह की कराने लायक है कि नहीं है, कि कराने में आपको ये पैसा वर्थ इट रहेगा, कहीं आप ऐसा ना हो पैसा वगैरह बर्बाद हो जाए। तो लाइव डेमो आपको दिखा देता हूँ एक बार, मुझे भी नहीं पता भाई लोग क्या होने वाला है। जी आपके सामने दिखता हूँ, पहले तो गम थी, अब देखते गम वम छुटती है कि नहीं छुटती, मैंने गम तो देख ली थी, अब देखते छुटती कि नहीं छुटती, वो आपको शायद लाइव डेमो दिखा रहा हूँ। डालो इस पर थोड़ा पानी, डालो ओके डालो और डालो बस, तो इसको अच्छे से वाइप करो। तो भाई लोग जी आपके सामने होने वाला है, जो कुछ भी होगा मुझे भी नहीं पता, इसको अच्छे से उसी पार्ट को वाइप करो, उसी पार्ट को देखते हैं गम वम छुटती कि नहीं छुटती है। क्या लगता है भाई लोग, गम वम मतलब छुट जाएगी? ऐसे तो अगर वो गम ही है तो इतनी इजीली तरीके से छुटने वाली है जिसका कोई हद नहीं होगी, बहुत आसानी से छुट जाएगी। वैसे भाई लोग इतनी ही गम छोड़ी है, इससे ज़्यादा कहीं गम अभी तक मुझे वाइजर पे देखने के लिए मिली नहीं है। तो गाइस उस हिसाब से तो गाइस मुझे टेप मतलब जिसे कहते हैं काफ़ी वर्थ इट लगी। बस हाँ, उन लोगों का करने का थोड़ा होता है ना कि कहीं से थोड़े मतलब कमी रह जाती है, कहीं से वैसे कमी रह गई है, लेकिन अगर उनको हाथ की सफाई हो अगर अच्छी से और होगी ना, तो गाइस टेप एक नंबर रहने वाली है। बाकी टेप में क्वालिटी वगैरह में भी कोई भी कमी नहीं है, जिस हिसाब से पैसे चार्ज किए थे उस हिसाब से कमी वमी अगर होगी तो गाइस कुछ फ़ायदा वगैरह तो है नहीं उनके यहाँ से कराने का। इस वजह से गाइस ठीक ठाक टेप है, बढ़िया टेप है, ऑलमोस्ट अच्छी क्वालिटी की टेप रहने वाली है। और भाई लोग जो बात मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो गम वम अच्छे से हो गई, एक आध बार आप उसे और करोगे तो बिल्कुल साइन वाइन आ जाएगी,
जिसकी बात करते हैं गमम, तो भाई लोग गमम तो इसमें बिल्कुल छोड़ दी गई, गमम बिल्कुल रहने वाली अब है नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया। और आपको एक बार सिनेमेटिक शॉट वगैरह पूरी बाइक का दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ उसे अपने को कितने महीने तक चलानी चाहिए कितने महीने तक नहीं चलानी चाहिए। तो गाइस चलाने की बात करते हैं, तो गाइस आपको इस टेप को चलाना चाहिए। टू ईयर मैंने चला रखा है, मेरा जमाया हुआ है, कुछ नहीं होगा नो डाउट, आप लोग बेफिक्र हो। कैसे दो साल तक बिल्कुल यूज़ करो, दो साल के बाद एक महीने बाद, दो साल एक महीने बाद, आप इसे 13-24 और 25 महीने में इसे आप बिल्कुल बदलवा लो। इसके आगे मैं आपको रिकमेंड वगैरह नहीं करता, क्योंकि इनफैक्ट मैं भी खुद इसको चेंज वगैरह करवा लूँगा गाइस। वैसा कुछ आपको टैंक वगैरह पे पेंट वगैरह पे कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा, आप इसे 25 महीने में चेंज करवा लोगे, 25वें महीने में, ठीक है भाई लोग, ऐसा कुछ नुकसान वगैरह है नहीं गाइस, ठीक है। और आप लोग ऐसी दुकान पर करवाना जहाँ से उनके बंदे का हाथ अच्छे से सेट हो, तो आपकी बाइक के जो टेप वगैरह करेंगे उसकी क्वालिटी तो बढ़िया होगी, और जो करने वाला होगा उसकी वजह से उसकी क्वालिटी में और चार चांद लग जाएंगे भाई। और क्या कहते हैं गाइस, इसको आप 1000 से 1200 रुपए के बीच में करा लेना, इससे ज़्यादा मत कराना। मुझसे उन भैया ने गाइस काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह चार्ज कर लिए थे, ठीक है भाई लोग, मैं कहीं और अदर शॉप से कराऊंगा। तो गाइस आप ये बात ध्यान रखना, 1200 रुपए से ज़्यादा आपको 1000 से देने नहीं है किसी और को, इनफेक्ट इतने में ही होगी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इसका बाइक के सिमेटिक्स, और बाकी वीडियो करते रहूँ, एंड वीडियो अच्छी लगी उस चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना एक लाइक। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी न्यू टॉपिक में, बाकी आपका कुछ डाउट वगैरह रह गया कमेंट्स वगैरह कर देना, मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश वगैरह करूँगा। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ फिर किसी न्यू वीडियो में, तब तक लिए सारे भाई लोग अपना ख्याल रखें, बाय बाय।